नमस्कार, आज मैं मटन आलू मसाला देसी स्टाइल और कुकर में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। बहुत कम इंग्रेडिएंट में बनेगा। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दीजिए, यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 kg मटन, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। मैं बहुत कम इंग्रेडिएंट लेके इसमें बना रही हूँ और ये उड़िया स्टाइल है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा सा आलू, इसको 4 पीसेस में काट लिया है और इसका छिलका भी हम नहीं निकालेंगे। और इधर है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच और यहाँ है प्याज है, इसको गोल गोल साइज में काट लिया है मैंने। और इधर मसाले में लिया है मैंने मटन मसाला और हल्दी और यहाँ पर है लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर है नमक। 2 से 3 तेज़पत्ता लेना है आपको। और यहाँ सरसों का तेल मैंने लिया है 150 ml। और एक कुकर में हम बनाएंगे इसको। तो कुकर को ऑलरेडी गर्म कर दिया था और इसमें मैंने तेल डाल दिया है। और तेल देखिए थोड़ा सा ऐसे धुआं उड़ने तक आपको गर्म करना है। जब गर्म हो जाए तभी आपको प्याज का स्लाइस डालना है। अभी प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे या फिर थोड़ा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो लगभग आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा ऐसे प्याज भूनने में। 2-3 मिनट के बाद प्याज जो है सॉफ्ट हो चुका है और थोड़ा सा ब्राउन भी हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेंगे प्याज को। इसको निकाल के हम अलग से रख देंगे। तेल अगर आपका कम हो गया है तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी इसमें मैंने डाल दिया है तेज़पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट को थोड़ा सा इसका जो रॉ फ्लेवर है उड़ने तक इसको पकाएंगे। मतलब आपको ज़्यादा नहीं, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक पकाना है, इसका जो कच्चेपन है वो उड़ जाएगा। तो अभी हम इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर 1 चम्मच मैंने डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर, ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेने से इसका टेस्ट मतलब कलर अच्छा आता है। इसमें मैंने नमक डाल दिया है स्वादानुसार। आप अगर नॉर्मल मिर्च डाल रहे हैं तो कम लें। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि जो मसाला जो है जले ना। अभी देखिए तेल भी साइड से छोड़ने लगा है, तो इस समय हम अभी डालेंगे हमारा जो मटन था, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस समय अभी जब मटन आप भून रहे हैं या फिर जब भी आप मसाले भून रहे हैं तो उस समय आपका जो गैस का फ्लेम है मीडियम ही रखें। अभी इसको हम ऐसे ही ढक्कन में रख रही हूँ, बस इसको लॉक नहीं करना है। ढक्कन लगा के आपको लगभग 5 से 7 मिनट तक ऐसे पकाना है। देखिए थोड़ा पानी छोड़ने लगा है इसमें और बीच बीच में ऐसे हिलाते रहें। तो मसाले को जो है आपको बिल्कुल जलाना नहीं है, अगर जल जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर से हम ढक्कन ऐसे बस ढक के रख दे रहे हैं, लॉक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर से 5 मिनट के बाद मैंने खोल के देखा है कि पानी भी इसका कम हो गया है। जब एक बार मटर डालने के बाद इसमें पानी छोड़ने लगता है तो पानी जो है सूखने तक आपको, थोड़ा सा ड्राई होने तक और तेल अलग छोड़ने तक आपको इसको भूनना है मसाले में। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत टेस्टी लगता है ये वाला मटन रेसिपी, आप एक बार ज़रूर बना करके देखिए। अभी इस समय जो है जब मटन अच्छे से भून जाए, इसमें प्याज भुना हुआ और हमारा जो आलू कटा हुआ था इसको डाल के हम मिक्स कर देंगे। ये वाला जो मटन आलू रेसिपी है खास करके उड़ीसा में बनाया जाता है, तो एक बार आप ज़रूर बना करके देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। इसमें मैंने खड़ा मसाला जो गरम मसाला है कुछ भी नहीं लिया है, यह है मटन मसाला। इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे। मटन मसाले में ऑलरेडी रहता है
गरम मसाला मतलब जो भी दालचीनी इलायची लौंग वगैरह जितना भी है, तो इसलिए मैंने खड़ा मसाला नहीं लिया है। तो मटन मसाले में सारे मसाले रहते हैं। अभी हम इस समय थोड़ा सा मसाले वगैरह डाल के फिर एक मिनट के लिए पकने देंगे आलू प्याज को सभी को, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। एक मिनट जो है आलू और प्याज मसाले के साथ भुनने के बाद इसमें मैं लगभग 250 ml या फिर 300 ml इसमें पानी डालूंगी। पानी जो है आपको गर्म पानी लेना चाहिए, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना डालें। मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर देंगे तो देखिए ग्रेवी थोड़ा सा मुझे लग रहा है गाढ़ा हो जाएगा, कि जब मटन पकता है तो इसमें जो पानी रहता है थोड़ा कम हो जाता है, तो इसीलिए आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो पानी और थोड़ा डालें 50 ml। तो लगभग मैंने टोटल पानी लिया है 300 ml पानी। अभी हम इसमें लॉक कर देंगे और लॉक करके हम पकाएंगे। आप टाइम के हिसाब से पकाएं तो 10 मिनट पकाना है, और कुकर जो रहता है अलग अलग कुकर में अलग अलग टाइम में व्हिसिल आता है, तो इस कुकर में जो है 3 व्हिसल दूंगी मैं। 3 व्हिसल देने के बाद आपको 5 मिनट के लिए रखना है, अपने आप जो स्टीम है निकलने के बाद ही आप खोलें। देखिए मटन जो है अच्छे से पक गया है और अभी रेडी है, तो आप चावल रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप सीटी जो है बिल्कुल भी ना खोलें। एक बार पकने के बाद जो है 10 मिनट रखने के बाद ही खोलें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और एक बार ज़रूर बना करके देखिए। थैंक यू।